बहुत पहले की बात है, एक गांव में सरोजनी नाम की औरत अपने बेटे मनोज के साथ रहती थी। मनोज हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह सुबह उठकर हनुमान जी की पूजा करता और उसके बाद ही कोई काम करता था। सरोजनी के पति की मृत्यु हो चुकी थी। सरोजनी बहुत मेहनती थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। सरोजनी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए लोगों के घर में आकर काम करती थी, जिससे उनका गुजर बसर चलता था। एक दिन मनोज घर आया, वह बहुत परेशान था, तो उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? तो इस पर मनोज ने कहा, माँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम लोगों के घर जाकर काम करती हो, और तुम कब तक ऐसे ही काम करती रहोगी? मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम कर लेता हूँ, जिससे तुम्हें लोगों के घर घर जाकर काम न करना पड़े। सरोजनी ने मनोज की बात सुनकर कहा, नहीं बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, एक दिन हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी पर भरोसा रख, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं ये सारे काम छोड़ दूंगी। फिर मनोज अपनी पढ़ाई में लग गया। इस तरह समय बीतता गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का सरोजनी को इंतजार था। मनोज की पढ़ाई पूरी हो गई और वह नौकरी की तलाश में निकल गया। वह सुबह जल्दी उठता और हनुमान जी की पूजा करता और काम की तलाश में निकल जाता और पूरा दिन नौकरी ढूंढने के बाद थक हार कर घर वापस आ जाता। एक दिन मनोज को उदास देखकर मनोज की माँ ने कहा, बेटा तू उदास मत हो, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। तो इस बात पर मनोज बोला, माँ कुछ दिन ऐसा रहा तो मैं नौकरी की तलाश छोड़कर अपना कुछ काम कर लूँगा। तो इस पर उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा हनुमान जी पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, तुझे जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तू हार मत मान। अगले दिन फिर मनोज नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। जब वह थक हार कर वापस आ रहा था, तब उसे उसके मास्टर जी मिले। उसने मास्टर जी को प्रणाम किया। फिर मास्टर जी ने पूछा, और मनोज क्या कर रहे हो आजकल? तो मनोज बोला, मास्टर जी नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ। तो मास्टर जी बोले, हमारे पास के गांव में एक स्कूल में मास्टर की ज़रूरत है, तुम वहाँ चले जाओ, हो सकता है वह तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाए, बाकी मैं भी उनसे बात कर लूँगा। मनोज ने घर जाकर यह बात अपनी माँ को बताई और हनुमान जी के मंदिर में अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करने लगा। हे हनुमान जी, मुझे ये नौकरी मिल जाए तो मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन हेडमास्टर के सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। मनोज ने अपना परिचय दिया और हेडमास्टर ने उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा में भेज दिया। कक्षा में आते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्कार किया। तब मास्टर जी बोले, बच्चों आज मैं तुम्हें नमस्ते बोलने का नया तरीका सिखाता हूँ। जब किसी को मिलो तो नमस्ते की बजाय राम राम किया करो, इससे भगवान राम तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वालों को भी अच्छा लगेगा। फिर मास्टर जी ने उन्हें रामचरितमानस की चौपाइयाँ सिखाई। मास्टर जी के 3 दिन पूरे हो गए। मास्टर जी के 3 दिन पूरी होने के बाद हेडमास्टर ने बच्चों की परीक्षा ली, जिससे वे काफ़ी खुश हुए और उन्होंने मास्टर जी की नौकरी पक्की कर दी। अगले दिन मनोज के मास्टर जी ने उसके घर आकर दरवाज़ा खटखटाया। मनोज ने मास्टर जी को अंदर बुलाया और कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ गुरुजी, मैं बहुत बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाया। मास्टर जी बोले, अरे ये क्या कह रहे हो मनोज, हेडमास्टर जी ने तो तुम्हारी नौकरी पक्की कर दी है और उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी, उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तुमने बच्चों को रामचरितमानस की चौपाइयाँ सिखाई हैं जो आज तक कोई नहीं सिखा पाया।
यह सुनकर मनोज बोला, जब मैं स्कूल गया ही नहीं तो मेरी जगह बच्चों को किसने पढ़ाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मनोज की आंखों में आंसू आ गए। वह फफक फफक कर रोने लगा। मास्टर जी से बोला, मैं समझ गया गुरुजी, मेरी जगह मेरे हनुमान जी बच्चों को पढ़ाने गए थे। राम नाम की शिक्षा बच्चों को वो ही दे सकते हैं। फिर मास्टर जी बोले, बेटे तुम्हारे ऊपर तो हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है, तुम धन्य हो। वह हनुमान जी के मंदिर में गया और हनुमान जी का ध्यान करने लगा और पूजा करने के बाद बच्चों को पढ़ाने स्कूल चला गया। इस तरह हनुमान जी ने मनोज के सारे दुख दर्द दूर कर दिए। तो ये थी हनुमान जी की पाठशाला। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।